नमस्कार, मैं हूँ सोनल टैगोर और आज मैं बनाने जा रही थी ढोकला, तो सोचा आपके साथ क्यों ना ये रेसिपी शेयर करी जाए। तो इसमें मैंने लिया है 2 कटोरी चने की दाल, 1 कटोरी चावल और 1/2 कटोरी उड़द की दाल, साथ में लहसुन और हरी मिर्ची। और दाल चावल इन सबको 5 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो के रख दिया था और अब इनको एक साथ पीस रही हूँ। और ये हमारा बैटर तैयार हो गया है और इसमें मैंने नमक और हल्दी भी मिक्स कर दी थी और इसको रात भर के लिए रख दिया था। और मैं बना रही हूँ एक कुकर में और एक कढ़ाई में। कुकर को मैंने पहले गर्म करने रख दिया है और ये कढ़ाई के लिए बनाया है। कुकर का पानी अच्छे से गर्म हो चुका है और इसके मैं विसल निकाल दूंगी। और कुकर का पानी अच्छे से उबलने लगा है। अब एक स्टैंड रख के मैंने इसमें पॉट को रख दिया है और अब कढ़ाई का भी पानी अच्छे से उबलने लगा है और मैंने इसमें थाली को रख दिया है और दोनों को 1/2 घंटे के लिए छोड़ दिया है। ये देखिए, कुकर का ढोकला तैयार हो चुका है और अब देखती हूँ कढ़ाई वाले में कितना टाइम है। कढ़ाई में बनाने में 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। और ठंडा होने पर मैंने इसको निकाल लिया है। और ये देखिए कितना अच्छा स्पंजी तैयार हो गया है। तो अब नज़र मार लेती हूँ कढ़ाई वाले ढोकले पे कि किस तरह से बना है। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से पक गया है। इसको भी ठंडा होने के बाद मैं निकाल लूँगी। और अब आई है तड़का देने की बारी। तड़का देने के लिए मैंने तेल लिया है, कड़ी पत्ता, राई और हरी मिर्ची से तड़का दिया है। तो देखिए झटपट हमारा ढोकला तैयार हो गया है। एक बार जरूर बनाइएगा, खाइएगा और कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको ढोकला, मैं जिस तरह बनाती हूँ। और लास्ट में थोड़ी सी शक्कर, ये इसके फ्लेवर को और अच्छा टेस्टी बनाती है। ये देखिए हमारा ढोकला तैयार हो चुका है। और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।